तो फिर आपने क्या निर्णय लिया युवराज युधिष्ठिर? मैं युद्ध नहीं चाहता वासुदेव। युद्ध तो मैं भी नहीं चाहता और ना ही मैं युद्ध का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि अब समाचार फैल चुका है कि आप लोग जीवित हैं और इसलिए आवश्यक है कि आप लोग अपना अधिकार मांगे। अपना अधिकार मांगना मनुष्य का कर्तव्य है और यदि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो एक और आपत्ति भी खड़ी हो सकती है। दुर्योधन ये कह सकता है कि हस्तिनापुर ना आने के कारण आपने अपने सारे अधिकार खो दिए। परंतु दुर्योधन एक वीर पुरुष है, वो ऐसा क्यों करेगा? निहित स्वार्थ दाऊ, निहित स्वार्थ। वासुदेव ठीक कह रहे हैं युधिष्ठिर, राजमुकुट वस्तु ही ऐसी है जिसके लिए द्रोण जैसे आचार्य की आत्मशक्ति के पांव भी टिक जाते हैं। ना केवल पंचाल की सेनाएं बल्कि मेरे मित्रों की सेनाएं भी तुम्हारे साथ है पांडु राजकुमार। तुम जब चाहो तब ये सेनाएं तुम्हारे ध्वज के नीचे हस्तिनापुर की ओर चलने के लिए प्रस्तुत रहेंगी। नहीं पंचाल नरेश, नहीं। अधिकार मांगने के लिए सेना से अधिक आत्मविश्वास की आवश्यकता है। सेनाओं की यात्रा से उड़ने वाली धूल अधिकारों के प्रश्न को ढक लेगी। लोग कहेंगे कि युधिष्ठिर ने अपने ज्येष्ठ ताचरी पर आक्रमण किया और उन्हें भी अपनी रक्षा और हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए रणभूमि में आना पड़ा। अभी सत्य पांडवों के पक्ष में है। पांडवों के शिविर में सत्य के ध्वज को लहराने दीजिए, क्योंकि अंत में विजय सत्य ही की होती है। यदि रणभूमि में आना ही है तो पहले वे लोग आए। पांडवों पर आक्रमण करने का आरोप नहीं लगना चाहिए। युद्ध नीति तो ये नहीं कहती, वो तो कहती है मार पहले करनी चाहिए। सच कह रहे हो, परंतु मैं तो युद्ध की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो शांति की बात कर रहा हूं युवराज। यदि आप युवराज के स्थान पर रहे होते और आपके चारों भाई और आपकी माताश्री समेत सबको लाक्षाग्रह में जलाकर भस्म कर देने का षड्यंत्र रचा गया होता तब आप क्या करते? तुम मुझसे चार भाइयों की बात कर रहे हो युवराज? मेरे तो छह भाइयों की हत्या कर दी गई थी। मेरे माताश्री और पिताश्री कारागृह के अंधकार में दिनों की तो बात अलग, वर्षों तक की गिनती भूल गए थे। फिर भी मैंने मामा कंस पर आक्रमण नहीं किया। जब उन्होंने मुझे बुलवाया तब मैं नंदगांव से मथुरा गया। तो क्या हम लोग यहां बैठे बैठे निमंत्रण की प्रतीक्षा करते रहेंगे? तो आप ही बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उस दुर्योधन को पटक पटक के मारूंगा। ये मंझला कुंती पुत्र तो सदैव ही वीरों की भाषा बोलता है। महाराज की जय हो। हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के दूत बनकर महामंत्री विदुर पधारे हैं, वे दर्शन के अभिलाषी हैं। पुत्र, महामंत्री विदुर को आदर सहित हमारे विशेष अतिथि गृह में ठहराओ और उनसे कहो कि पहले यात्रा की थकान दूर कर लें, कल अवश्य भेंट होगी। जी पिताश्री। क्या तुम जानते थे कि विदुर जी आने वाले हैं? ये तो आप भी जानते रहे होंगे दाऊ, क्योंकि इसके अतिरिक्त महाराज धृतराष्ट्र और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने तो दुर्योधन को भेजना चाहा होगा, परंतु उसके पास अभिमान अधिक है और समझ कम। यदि आज्ञा हो तो हम काकाश्री को प्रणाम कराएं। नहीं युवराज, आज वे काकाश्री नहीं है, आज वे हस्तिनापुर नरेश के दूत हैं। इसलिए उचित यही होगा कि सबके सामने मिला जाए, कि सब सुन सकें कि उन्होंने क्या कहा और तुमने क्या उत्तर दिया। ये कुधारणाओं से बचने के दिन है युवराज।